वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है राम डाबे और हम आज बात करेंगे कि अडोबे प्रीमियम प्रो के अंदर लिंक मीडिया कैसे करना है। लिंक मीडिया आप दो तरह से कर सकते हो। अगर आपके पास जो भी प्रोजेक्ट के अंदर मीडिया यूज हुआ है या MP3 सॉन्ग यूज हुआ है वो आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए तो आप उसे लिंक कर सकते हो। अगर आपके पास वो सारी फाइलें नहीं हैं तो उसकी जगह पर आप दूसरी फाइलें एक्सचेंज कर सकते हो, उसको भी दूसरी फाइल को भी आप वहाँ पर लिंक कर सकते हो। तो ये कैसे करेंगे हम आज देखेंगे अडोबे प्रीमियम प्रो के अंदर कि हमें या तो हमारा जो पुराना प्रोजेक्ट है उसका मीडिया लिंक करना है। अगर वो मीडिया हमारे पास मौजूद नहीं है तो उसकी जगह पे हमने दूसरा मीडिया को भी लिंक करना है। तो आप देख सकते हो मेरा डेस्कटॉप में जो अभी ये फोल्डर आप वीडियो डेटा का, इसके अंदर मैंने कुछ फुटेज है और एक MP3 सॉन्ग रखा है आपको एग्जाम्पल देने के लिए। इसकी मदद से हम देखेंगे कि मीडिया को लिंक कैसे करें। तो मैं पहले अपना अडोबे प्रीमियम प्रो ओपन कर लूँगा। यहाँ से ज़्यादातर लिंक हमें या तो ट्रांजिशन पैक यूज़ करते हैं उसमें होता है या कोई हमारा पुराना प्रोजेक्ट जिसमें हमने हाईलाइट वगैरह बनाई है या फिर सॉन्ग वगैरह कोई क्रिएट किया था हमने मैन्युअली, और तो उस केस में वो ज़्यादातर लिंक मीडिया हमने करना होता है। और अगर आपने कोई हाईलाइट बनाई है वेडिंग की या कोई वेडिंग सॉन्ग बनाया है, इसके बाद आप दोबारा उसको ओपन करते लिंक मीडिया का ऑप्शन आता है। तो आपको अगर आपके पास वो सारा मीडिया है तो उसे लिंक कर सकते हो, अगर नहीं है तो उसकी जगह पे दूसरा जो मीडिया आप लिंक करना चाहते हैं उसे भी लिंक कर सकते हो और प्रोजेक्ट हमारा बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। तो चलिए मैं एक न्यू प्रोजेक्ट यहाँ से ले लूँगा। इसके बाद यहाँ से हम तो ये हमारा वीडियो डेटा, इसके अंदर हमने कुछ फुटेज रखी, वहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट में सेव कर लूँगा। इसके बाद वो जो सारा डेटा है मैं अपने प्रीमियर प्रो के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा। तो इसको मैं थोड़ा सेट कर लूँगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे वीडियो फुटेज है इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ अपने प्रोजेक्ट में। तो सारी वीडियो को हम यहाँ पे सेट कर लेंगे इस तरह से। अब जिस तरह से भी सेट करना चाहते हैं इस तरह से आप सेट कर सकते हैं इसको। इसके बाद दूसरा जो मेरा वीडियो है इसको भी मैं यहाँ पर लगा दूँगा। तो मान लीजिए ये मैंने क्रिएट कर दिया एक प्रोजेक्ट फाइल, पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है। अभी ये लिंक मेरा जो डेटा का फोल्डर है जहाँ से मैंने यूज़ किया है मीडिया, इसको मैं दूसरी ड्राइव में कट करके वहाँ पे फोल्डर पेस्ट कर दूँगा। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ जैसे। इसके बाद ये जो मेरा फोल्डर है पूरा, इसको मैं क्या करता हूँ, ये डेस्कटॉप में अभी है, अभी मेरा डेस्कटॉप में पड़ा है, यहाँ से मैं कट करके इसको दूसरी ड्राइव में पेस्ट करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरी एफ ड्राइव हो गई, इसके अंदर मैं अगर पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, अब हम प्रीमियम प्रो के अंदर जाएंगे तो ये बिल्कुल मीडिया लिंक का ऑप्शन आ जाएगा। देख सकते हो बिल्कुल मीडिया लिंक का ऑप्शन आ चुका है और ये जो रेड कलर का थंबल भी आ चुका है। अब हमने करना ये है, हम यहाँ से लिंक करेंगे मीडिया को, क्योंकि हमारे पास फुटेज तो अभी पड़ी है दूसरे ड्राइव में है तो वहाँ जाके हमने लिंक करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ के, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो आप ये ऑप्शन देख रहे हैं इसको हम हटा देंगे यहाँ से। इसके बाद ये दोनों पे ये ऑप्शन पे क्लिक रखेंगे, इस फाइल नेम पे क्लिक रखेंगे, इसके बाद एक्सचेंजन इसके ऊपर भी क्लिक रखेंगे, और ये जो तीनों के इसके ऊपर भी हम क्लिक रखेंगे, टाइम कोड रीलिंक अदर मीडिया ऑटोमेटिकली एंड यूज़ मीडिया ब्राउजर टू लोकेशन, इसके ऊपर भी हम क्लिक रखेंगे। अब क्या करेंगे हम, जो ये हमारे फुटेज है, ये जो हमारा MP3 सॉन्ग है, आप देख सकते हो सारी चीज़ें अनलिंक हो चुकी है, इसके ऊपर हमने क्लिक रखनी है। इसके बाद हमने यहाँ पर लोकेशन करना है, जैसे लोकेशन मैं करूँगा इसके बाद यहाँ पे, तो इसके बाद मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। एक बार ट्राई करते हैं हम यहाँ से, देखते कि ऑटोमेटिकली जो लिंक हमारा मीडिया लिंक मीडिया होता है कि नहीं होता है, हमारा जो प्रोजेक्ट फाइल है वो कहाँ पे पड़ा है वो कंप्यूटर सर्च करेगा, इसके बाद हमें दिखाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर लिख के आ चुका है फाइल नॉट फाउंड, मतलब अडोबे प्रीमियर को पता नहीं चला कि वो डेटा कहाँ पर है। तो हमने जो फोल्डर कट करके जिस ड्राइव में रखा है उस ड्राइव में हमें जाना पड़ेगा। तो हम जाएंगे एफ ड्राइव में, इसके बाद ये रह गया हमारा, इसके बाद हमारा वीडियो डेटा का फोल्डर इसके अंदर। इसके बाद फिर से एक बार हम सर्च करेंगे यहाँ से, आप ऊपर देख सकते हो जो हमारा पहला जो मीडिया यूज़ हुआ था उसका लोकेशन है और अभी का जो हमारा लोकेशन है ये वाला है। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने ड्राइव सिलेक्ट की इसके बाद सर्च किया तो ये बिल्कुल इतने जो मीडिया था वो सारे मीडिया मुझे लोकेशन बता दिया। फाइल पे मैंने क्लिक रखा था, वो फाइल इसमें से कौन सी है, ये तो बहुत कम फाइल है, अगर 100-150 फाइल होती है एक साथ, इसमें आपको देखना होता कि जो फाइल पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है और लिंक करने के लिए, तो वो फाइल इस जितनी भी फाइल पड़ी है पूरा फोल्डर में वो फाइल एक कौन सी है। तो आप क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले ओनली एग्जैक्ट नाम मैचेस कर देंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो फाइल यहाँ पर शो हो जाएगी।
इसके बाद हमने यहाँ पे ओके करना है और यहाँ पे ओके कर देंगे तो वो फाइल लिंक हो जाएगी। जैसे क्लिक करेंगे तो और फाइल भी लिंक हो जाएगी। इसके बाद जितना भी डेटा उस फोल्डर में से लिंक हुआ होगा वो सारा प्रोजेक्ट अपने आप ही लिंक कर देगा। देखिए जितना भी सारा प्रोजेक्ट लिंक हो चुका है। तो इस तरह से हमने लिंक करना होता है। अब मान लीजिए ये सारा आप देख सकते हो जो मैंने रखा है। अब मान लीजिए ये फुटेज मेरे पास नहीं है, अभी ये ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, मैं पहले वो जो फाइल है इसको हटा देता हूँ वहाँ से। हम पहले वो फाइल को डिलीट कर देंगे। अब ये फाइल है इसको मैं डिलीट कर दूँगा मेरे लिंक किया हुआ फोल्डर से। ठीक है, ये फाइल ये वाली है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसे मैं डिलीट कर दूँगा तो ये यहाँ पर लिंक मीडिया आ जाएगा। अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। जिसकी जो आगे वाली है, ये आगे वाली इसलिए अनलिंक हो चुकी है क्योंकि ये पूरा एक ही वीडियो था इसलिए, और ये भी एक वीडियो था। इसके बाद ये दिख रही है, ये भी दिख रही है, ये सारे दिख रहे हैं। हमारा MP3 सॉन्ग भी अभी लिंक है। अब मान लीजिए वो 5 मिनट का एक वीडियो था। अगर 5 मिनट का वीडियो अगर एक एक मिनट करके 5 बार यहाँ पर यूज़ हुआ है कट कर करके, तो एक वीडियो अगर आप डिलीट करोगे फोल्डर से जो 5 फुटेज होगी वो 5 और 5 अनलिंक हो जाएगी। मतलब वो पूरा वीडियो होगा वो अनलिंक हो जाएगा। जैसे कि मेरे इस वीडियो का 2 फुटेज थी, देखिए यहाँ पे कट करके, तो दोनों अनलिंक हो चुकी है। अब जो ये मेरा अनलिंक हो चुका है, जो डिलीट फुटेज हो चुकी है, उसकी जगह पर मैं और वीडियो लिंक करना चाहता हूँ। उस वीडियो को मैं पहले ओपन कर लूँगा अपने Adobe प्रीमियम प्रो के अंदर। तो ये रहा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे मैं सोर्सेस मॉनिटर में ओपन कर लूँगा। ये वीडियो को मैं यहाँ पर यूज़ करना चाहता हूँ, इस वीडियो पर, इस फुटेज पर, यहाँ पर मैं इसे यूज़ करना चाहता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक कर रखूँगा और यहाँ पर जाऊँगा मैं रिप्लेस विथ क्लिप एंड सोर्सेस मोनिटर। जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा वो बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगी। देखिए ये पूरी यहाँ पे आ चुकी है, बट यहाँ पे नहीं आई है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी अगर आप चाहते हैं इसको यहाँ पे दूसरी फुटेज यूज़ करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, दूसरी क्लिप को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और हम यहाँ से दूसरी क्लिप को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने सोर्सेस मोनिटर में और यहाँ पर रख देंगे। जैसे यहाँ पर रख दिया, इसके बाद यहाँ पर क्लिक करनी है, यहाँ पे रिप्लेस विथ क्लिप एंड सोर्स मॉनिटर। तो ये यहाँ पे बिल्कुल आ जाएगी, ये हमारे प्रोजेक्ट फाइल में सेट हो जाएगी, लिंक हो जाएगी। अगर आपने कोई फुटेज जैसे कि मान लीजिए ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर यहाँ पे है, तो जो भी इस फुटेज को अगर आप लिंक करना चाहते तो इसके ऊपर आपने क्लिक रखनी है। इसके बाद यहाँ पर क्लिक रखनी है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए दूसरी फुटेज को आप लिंक करना चाहते हैं, इस फुटेज के ऊपर क्लिक रखेंगे। इसके बाद इस फुटेज के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे रिप्लेस विथ क्लिप एंड फ्रॉम बिन, जैसे बिन करोगे तो ये जहाँ पे क्लिक होगा वो यहाँ पे लिंक हो जाएगा। तो ये आ चुका है। अब ये जो मेरी क्लिप है इसकी जगह पर मैं कोई और क्लिप, अगर जैसे कि ये क्लिप मेरी हो चुकी है, आप देख सकते हो, अगर इसकी जगह पे मैं ये वाली क्लिप यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिप के ऊपर जाऊँगा, रिप्लेस विथ फ्रॉम बिन, जैसे बिन पे जिस क्लिप सिलेक्ट होगी वो क्लिप यहाँ पे आ जाएगी। इस तरह से हम जब लिंक करते हैं तो दूसरी भी प्रॉब्लम आती है हमारे प्रोजेक्ट में। अब मान लीजिए इसकी जगह पर मैं ये क्लिप है, ये यहाँ से आप यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हो, जितनी क्लिप आप यूज़ करना चाहो उतनी भी कर सकते हो, और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद इतना जो पार्ट है वो मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा रिप्लेस विथ क्लिप एंड सोर्सेस मॉनिटर, तो उतना क्लिप यहाँ पे आ जाएगा, आप देख सकते हो। दूसरा जो तरीका है, मैं आपको दूसरा एक तरीका दिखाता हूँ। जैसे कि मैं मान लीजिए 30 सेकंड का जो वीडियो है इसको मैं यहाँ पर ले लूँगा, इसके बाद इसको मैं अनलिंक कर दूंगा अभी ऑडियो इसका। अभी जो 30 सेकंड का जो वीडियो है मेरा, ये वाला 30 सेकंड का है, अगर इसकी जगह पे मैं ये वाली क्लिप यूज़ करना चाहता हूँ, यहाँ पे सोर्सेस मॉनिटर करूँगा। जैसे मैंने सोर्सेस मॉनिटर किया तो आप देख सकते हो पीछे वाला जो पार्ट है इसमें जो एक लाइन आ चुकी है, आप देख सकते हो यहाँ पर एक लाइन आ चुकी है। ये लाइन क्यों आई है इसके बारे में बात करते, ये लाइन इसलिए आ चुकी है, जो पहला मेरा वीडियो था वो था 30 सेकंड का, और ये जो वीडियो है ये 30 सेकंड से कम वीडियो है, इसीलिए ये लाइनें आ चुकी है। अब आपको इसको क्या करना पड़ेगा, वो फुटेज अगर 30 सेकंड का है तो आपका आप जो फुटेज यूज़ करना चाहते हो
वो फुटेज 31 सेकंड का होना चाहिए या उससे ऊपर का होना चाहिए। जितना भी ये फुटेज जितने भी सेकंड का है आप उसके ऊपर यूज़ करना चाहते हो, वो फुटेज उनसे ज़्यादा ड्यूरेशन वाला होना चाहिए, ज़्यादा लंबा होना चाहिए। या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ऐसे करके यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो तो ये पार्ट हट जाएगा, वरना जब जब ये पार्ट अगर नहीं हटाओगे आप पार्ट, तो ये चलते चलते वहाँ पे जाएगा तो ब्लैंक दिखाई देगा। देखिए बिल्कुल ब्लैंक दिखाई देगा। तो हम इसको हटाने के लिए या तो इसको कम कर सकते हो पीछे से पार्ट, या फिर अगर ये नहीं करना चाहते तो आपको कोई ऐसी फाइल यूज़ करनी पड़ेगी इसके ऊपर जो 30 सेकंड से ज़्यादा, जैसे मेरे सोर्स मॉनिटर में आ चुकी है आप देख सकते हो ये। अगर मैं इसको यहाँ पे लिंक करूँगा तो ये बिल्कुल ये पार्ट हट जाएगा। देखिए जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इसके बाद रिप्लेस विथ सोर्सेस मॉनिटर, तो देखिए जैसे पूरा पार्ट आ चुका, क्योंकि ये जो क्लिप है ये बिल्कुल 30 सेकंड से ज़्यादा शूट हुई है। इसलिए इस तरह से हमने Adobe प्रीमियम प्रो के अंदर मीडिया को लिंक करना होता है, और अगर आप एक्सचेंज करना चाहें क्लिप को वो भी आप कर सकते हो बिल्कुल सक्सेसफुली। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, फिर से मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।